छबाक पे मैं आई देखने और मैंने सोचा कोरियन फिल्म है तो शायद मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला, बट दिस फिल्म इज़ वेरी मच इट्स रोमांस और इसमें काफ़ी सारा सस्पेंस है और ये डार्क मूवी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। मुझे अभी मैंने हाफ देखा है, इंटरमिशन तक देखा है, इंटरवल तक,
और काफ़ी सारा इसमें सस्पेंस है एंड वी आर ग्लैड कि हमारे मीन्स इंडिया में ये मूवी बनी फर्स्ट टाइम, सो आई होप सबको पसंद आनी चाहिए। और बच्चे जो कोरियन मूवीज़ के आजकल फैन हो रखे हैं तो काफ़ी सारा इसका अच्छा व्यूज़ आने वाला है, सो आई विश गुड लक टू द टीम एंड डायरेक्टर मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी तक कोई कोरियन फिल्म नहीं देखी थी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इट्स डिफरेंट दैन दी अदर फिल्म्स जैसे हम हिंदी सिनेमा में देखते हैं, और एज अ कलाकार एज एन आर्टिस्ट जितना भी सिनेमा हम वर्ल्ड का देखें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सबटाइटल्स थे तो सब समझ भी आया और बहुत थ्रिलिंग है और सबको देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी थ्रिलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। अभी तक इंटरवल तक पहुँचे, अभी इंटरवल हुआ है उसके बाद आगे देखते हैं, बट रियली वैसे काफ़ी थ्रिलिंग मूवी है। ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जैसे हम खुद मूवी के अंदर ही बैठ के उसको पूरा विजुलाइज़ कर रहे हैं। ऑल दो मैं कोरियन मूवीज़ बहुत देखता हूँ, काफ़ी फ़ैन हूँ मैं कोरियन मूवीज़ का एंड उनकी वेब सीरीज़ का, तो इससे भी मुझे काफ़ी अच्छी होप्स है। एंड जिस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है एंड प्रीमियर रखा गया है, इट्स कमेंडेबल, इट्स अ वेरी नाइस मूवी। टिपिकल स्लैशर जो हमने हॉलीवुड में कई बार देखा, ऐसे स्लैशर जो एक मास्क एक खूनी होता है और वो अक्सर लड़कियों का ही पीछा करता है, और ये 80s और 90s में 70s में हॉलीवुड में अक्सर हम लोग देखते थे, या अभी कोरियन सिनेमा में हम पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले कोरियन सिनेमा का एक सिलसिला है कि डार्क थ्रिलर्स बखूबी बनाते हैं लोग, पहली बार ये लोग एक स्लैशर बना रहे, और इंटरवल तक बाय गॉड मज़ा आ गया मुझे। वो सारे पुराने स्लैशर फ्राइडे द 13th, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, इन सब की याद आ गई। अभी ये देखना ये है कि ये लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी और ये खूनी कौन है, मज़ा आ रहा है। बहुत बड़े आप जो है सिनेमा लवर हैं, तरह के सिनेमा को देखते हैं, चमक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, यू नो, कि बेला जी इज़ लॉन्चिंग दिस थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल सिनेमा को देखते हैं, यहाँ पे जब उसे कोई बड़ा नाम साथ में जुड़ता है तो उसे वाइड रीच मिलता है, एंड विद हर नेम विद बंसाली सर एसोसिएटेड, तो इसको ये जो कोरियन सिनेमा इज़ ऑलवेज बीन देयर, हम लोग कोरियन सिनेमा बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। थैंकफुली विद कोविड एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल दोज थिंग लोगों को इसका एक्सपोजर काफ़ी मिलते गया, के पॉप है, के ड्रामाज है, के जो कोरियन थ्रिलर्स है, ये सब लोग और देखने लग गए, तो अब ऑडियंस बन गई है, तो सिनेमा पे उसको एक बड़ा रीच चाहिए था, जो रीच के लिए दिस इज़ अ राइट फिल्म। कहीं ना कहीं मतलब एक यू नो उनका जो कल्चर होता है डिफरेंट होता है, बट हम कनेक्ट कर पाते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर दीज मूवीज। थैंक यू सर। थैंक यू।